फाइनली फीमेल पप्पी ले ली और गाइस अब एक बार इसे रोक से मिलवाते हैं, रोक को उसकी बेटी से मिलवाऊंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। और गाइस आज सुबह से सिम्बा मेरे साथ मस्ती कर रहा, जब से मैं सो के उठा तब से मेरे साथ खेल ही खेल रहा। अभी तक मेरे साथ मस्ती कर रहा था, अब थका रहा है, पानी लग रहा पीन। सिम्बा थक गया के? ये देखना भाई, फिर से मस्ती के मूड में आ गया। और एक से देखो चिंटू डॉन को कैसा लेट रहा मजे से। चिंटू चल खड़ा हो जा, ओए सुबह होगी खड़ा हो जा। नहीं हूं कर रहा, नु कह रहा डिस्टर्ब ना करे। इसके पास सिंकी भी लेट गई और रोक भी लौट गया। रोक तो पैर ऊपर को करके इंसानों की तरह ही लेट गया। और गाइस आज ने सभी को खाना वाना थोड़ा जल्दी खिला दिया था, सभी के सभी खा पी के लेट गए मजे से। देसी गैंग यहाँ लेट रही और रोक यहाँ है और सिम्बा पता नहीं कहाँ जा लिया। तो गाइस अब इनके नाम के नारियल पानी लेकर आया। सिम्बा कहाँ घूम रहा? चल अंदर। सिम्बा बाहर ही घूम रहा था गली में, देख रहा क्या लेकर आया मेरे नाम का। और गाइस अब गर्मियों गर्मियों सभी को नारियल पानी पिलाऊंगा, नारियल पानी बढ़िया होगा डॉग्स के लिए। चिंटू कह रहा ऊपर ही छोड़िया। चिंटू ऊपर जागा, ऊपर मैं जैसे पंखे के नीचे लेट रहा था। आ जा यहाँ लेट जा, यहाँ भी पंखा लग रहा, फैन ऑन करता हूँ। लो भाई लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। वैसे भाई यहाँ पर बढ़िया ठंडक रहे, जब से मैंने ऊपर फाइबर लगवा रखी उसके बाद से तो और ठंडक रहने लगी कमरों में। और गाइस अब एक बार लेमी के पप्पीस देखना चलता हूँ, लेमी के पप्पीस देखे कई दिन हो गए, अब वे बड़े बड़े भी हो गए होंगे। तो गाइस आ गए फाइनली लेमी के पास। और गाइस ये घूम रहे इसके छोटे छोटे पप्पीस। अपने सब्सक्राइबर आ रहे पप्पी लेने के लिए, इनमें से कोई से एक पप्पी फाइनल कर रहे। कौन से वाला बढ़िया लग रहा भाई? ये सारे बढ़िया लग रहे, सारे बढ़िया लग रहे। कुछ भाई अभी तो सारे के सारे क्यूट क्यूट से। और गाइस सब तो बड़े हो गए काफी, बड़े होने के बाद और ज्यादा क्यूट लग रहे। और गाइस सारे के सारे छोटे छोटे से है, बट भाई इसमें ग्रिप लगाने लगे। क्या बोला तूने? और गाइस इन दोनों पप्पीज को देखो, बिल्कुल ही सेम टू सेम है। कॉपी फेस दिखाई है ना, फेस दिखा बिल्कुल ही डिट्टो है। दबंग कौन है ना सबसे ज्यादा? दबंग तो है यह वाली फीमेल। अजी हाँ इसका फेस देखो भाई, ऊपर से कैसा उठा हुआ है, बिल्कुल पंच फेस में है। सारे के सारे पप्पी लेमी के नीचे बैठा दिए। और गाइस लेमी अब परेशान होने लगी कुछ, अभी ये दूध कम पीवे, बुढ़ के ज्यादा भरे इसके थनों में। रोक सी भी अपने पप्पीस को 15-20 दिन तक तो अच्छे से दूध पिलावे, उसके बाद वह भी परेशान हो जा। कितने दिन के हो गए रे? 21 दिन के हो गए। और गाइस अब थोड़ी बहुत देर में बूरे के पास चलेंगे, बूरा यहीं पे है पड़ोस में। बूरे को देखे भी कई दिन हो गए, तन्ना की खा लिया, मक्खी खा ली गए, रैपट मार रही मेरे। और गाइस क्यूट देखो कितनी ज्यादा लग रही, बिल्कुल ही प्यारी सी लग रही, क्यूट सी। देखना भाई लोटी लोटी कैसे स्विमिंग कर रही, इसका फेस ज्यादा व्हाइट हो गया ना इसलिए ज्यादा क्यूट लग रही है, स्विमिंग कर रही लेट के। यही वाली आ रही क्या पसंद? बढ़िया लग रही, जो लेते हो उस वाली को ले लियो, मुझे तो भाई क्यूट लग रही बढ़िया, मासूम सी है। और गाइस इनमें से मेल पप्पी को तैयार करेंगे, मेल पप्पी सेल के लिए नहीं है, बाकी सारी सारी फीमेल सेल है। तो गाइस अभी मेल पप्पी को अपने पास लेकर आ गया मैं, ये देखना भाई कैसा खेल रहा मेरे साथ, मेरी उंगलियों में भर रहा बुड़के। और गाइस मेल पप्पी को देखो, फीमेल के पिछवाड़े पर बुड़का भर रहा, रोक के ऊपर नहीं रोक्सी के ऊपर है, रोक्सी भरक रहा पिछवाड़े पर बुड़का। तो गाइस आगे बुरे के पास, सामने ये बंदरा बुरा, अब तो इसकी एलर्जी में भी आराम है, इसका दोनों साइड एलर्जी होगी थी ना, मुझे देखते ही सर एक्साइटेड हो जा। नु कह रहा कब लेकर चलागा, बस भाई एक बार कैनल में गेट लग जा उसके बाद लेकर चलूंगा, आज घर जाते गेट ही लगवाने सबसे पहले। बट भाई अब बुरे को खुला नहीं छोड़ सकते, जैसे पहले से खुला छोड़ दे थे अब नहीं भाई खुला छोड़ सकते, अगर खुला छोड़ दिया जो भी सामने डोगा होगा काम तमाम ही कर देगा, खत्म। फाइनली फीमेल पप्पी ले ली। और गाइस पहले से घर पर लेकर चल रहे, चल के अपने डॉग से मिलवाऊंगा, भाई ने लिया। और गाइस अब एक बार इसे रोक से मिलवाते हैं, रोक को उसकी बेटी से मिलवाऊंगे। वो खोलिए भगत जी, कहने लगे गेट खोल दे, रोक अंदर बंद कर रखा वो बैठा, बस रोक रोक को निकाल दे, वे तो सारे परेशान कर देंगे। रोको आजा रोको, ले देख जल्दी देख जल्दी देख, ले भाई नीचे छोड़ दी, देख रहा अपनी फीमेल पप्पी को। और गाइस पीछे सा कलर इसका रोक के जैसा ही है, बिल्कुल क्यूट सी है, मासूम सी। सामने वे कह रहे हैं हमें मिलवा दे, सभी से बार बार से मिलवाता हूँ, अंदर तो लेकर जाने का नहीं वरना इसकी बैंड बजा देंगे, छोटी सी वैसे है। लो भाई देख लो कोको जोरा, देख लो, ले भाई देख लो अच्छे से। और गाइस क्वालिटी वाइज बढ़िया बनेगी, बिल्कुल एक नंबर की, अभी ज्यादा छोटी है इसलिए इनके सभी के पास नहीं छोड़ रहा, क्या पता कोई सा पंजा वंजा मार दे, वैसे तो अटैक कोई से नहीं करने का बट भाई फिर भी है तो ज्यादा छुट्टी। बात तो सही है। सिम्बा को देखो कितने ध्यान से देख रहा, थोड़े दिन बाद सिम्बा वाले पप्पी से भी लेकर आऊंगा। ले भाई ब्लैकिंग तू भी देख ले, मिल लो बाहर से मिल लो, लो लो देख लो, हाय कर देना सबको, ले हाय और बाय भी कर दे, अब इसका जाने का टाइम हो गया, ध्यान रखे उसका। ओके ठीक है नन्नी मुन्नी, बाय बाय, ठीक है भाई ओके बाय बाय। तो गाइस शाम होगी और गाइस गर्मी हो रही बहुत ही ज्यादा, रोक की भी ये देख लो भाई कैसी हालत हो रही, फैं फैं कर रहा गर्मी से, बट भाई फिर भी नु कह रहा घुमा कर ला, रोको गर्मी हो रही यहीं रह ला, आज सिम्बा को लेकर चलूंगा। नहीं वैसे भाई आज ज्यादा भी जिद नहीं कर रहे हो, वरना रोज तो मेरा लात मारा लगा इस टाइम, रोको कल को चलिए तू, अरे तुरंत एक्साइटेड हो गया गाइस। आज थोड़ी बहुत देर में अक्की वाला लैब्राडोर आने लग रहा, रोक को नीचे नहीं ले जा सकता, रोक के साथ बहुत पहले पंगा हो गया था उसका, रोक ने बहुत पहले उसके कान पर लॉक लगा दिया था, बहुत पहले की बात है, इसलिए रोक को ऊपर ही बंद कर दूंगा, अब लेकर चलता हूँ सिम्बा को, सिम्बा के साथ देखेंगे मिलवा के क्या रिएक्शन आवे। तो गाइस अभी नीचे
कैनल में आ गया, अब लेकर चलता हूँ सिम्बा को। हाँ चिंटू, चिंटू नू कह रहा रोकू लेकर, सिम्बा गैल चलेंगे सिम्बा गैल। और गाइस गेट का जुगाड़ हो गया, गेट को शाम के टाइम मिस्त्री को देखाऊंगा, कल को बिल्कुल रेडी होकर आ जाएगा, दो हिस्से हो जाएंगे इसके। ये वाला गेट गलत बन गया, वैसे तो मिस्त्री कह रहा था लगा देगा, बट भाई फिर भी ज्यादा चौड़ा है, इसके दो हिस्से करवा दूंगा, समझ रहे हो। तो गाइस अभी शाम मैंने सर्च किया, लैब्राडोर आ गया। अरे बस चुप हो जाओ, मैं तो भाई सारे सारे पहले भोकन लगे, इसे काम कर बाहर लेकर चल, बाहरी दोस्ती हो सके इनकी, अंदर तो एग्रेशन करने लगे। सिम्बा नहीं दोस्ती करनी, ये तो भाई पहले एग्रेशन करने लगा, बस चुप हो जा, बिल्कुल चुप। तो गाइस ना दोनों को तो देखा बीजा, ये भी भोकरी चिंकी, बस चिंकी ऊपर खड़ी होकर भोकरी से। अब भाई एक बार सिम्बा को बांधता हूँ और खेत में लेके चलता हूँ, बाहरी ले जाकर मिलवाऊंगा, वो तो इन्हें तीनों को पता नहीं लगा, वरना ये तीनों भी भूखा लगते। तो गाइस अभी सिम्बा को तो आगे लेके खेत में, पीछे से रोकी भी आने लग रहा, हक्की वाला लैब्राडोर। दोनों को आगे चल के मिलवाऊंगा, घर पर तो एग्रेशन हो गया था, आगे चल के दोस्ती करवानी दोनों की। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी, घर के अंदर नॉन डॉग के साथ दोस्ती नहीं होती, बाहर ले जाकर तो हो जा, घर के अंदर नहीं होती। घर के अंदर सिम्बा गार्डिंग मोड पर लग जा, इसे पता कि सामने वाला दुश्मन है और उसे भूखना। सिम्बा देखे कौन है, मिलिए इससे, ये देखना भाई कितने प्यार से मिल रहे दोनों के दोनों, जैसा बचपन से एक साथ ही पले हो, बिल्कुल आराम से खड़े, बस सामने की तरफ को भौंक रहा, सामने चिंटू घूम रहा ना, चिंटू को बुला रहा। और गाइस सामने एक मोर बैठा, ये देखना भाई कितना बढ़िया लग रहा, अच्छे से दिखना रहा होगा, ज्यादा दूर है वो बैठा। कौवे को देखो अक्की के लैब्राडोर के ऊपर बैठ गया, पैर करिए दोनों ऊपर करिए, पैर ऊपर कर पैर, ओ तेरी पिचका दिया। सिम्बा को देखते हैं इसका वजन झेल लेके, अरे वाह दोनों पैर ऊपर कर रखे, सिम्बा तो से लेकर भी जा सके, ऐसा लग रहा जैसे घोड़े के ऊपर बैठा हो, रहने तो गिरना चाहिए। सिम्बा की हाइट तकड़ी होगी ना। यो वाला इलाका खतरे से भरा, यहाँ पर सारे में ब्लेड वाले तार है, अगर कोई से भी डॉग को खुला छोड़ दिया एक झटके में कट जाएगा। जब से सिम्बा का चोट लगी थोड़ा भी रिस्क नहीं लेते, ये देखना भाई सारे में कैसे पड़े ब्लेड वाले तार, यहाँ तो बिल्कुल ही गुच्छा हो रहा, इसके अंदर तो डॉग बिल्कुल ही फंस जाएगा, निकला भी नहीं जाने का। आजकल खेत में आके सबसे ज्यादा डर यही लगा, कोई सा डॉग तारवार के अंदर ना फंस जा, उस दिन भाई बस सिम्बा की जान ही बच गई, अगर गर्दन पर लग जाता गर्दन कटी जाती, खत्म। अब भाई एक बार सिम्बा को खुला छोड़ता हूँ, चल भाई सिम्बा जी ले अपनी जिंदगी खेल ले, वो इसे भी छोड़ दे रोकी को भी। सिम्बा तो चिंटू के पीछे भाग गया, चिंटू जा रहा था ना उस साइड को, आ जा सिम्बा रोकी के साथ खेल, आ जा। सिम्बा का ज्यादा जी चिंटू के साथ खेलने में लग रहा, बार बार चिंटू के पीछे भाग जा, रोकी के साथ नहीं एक बार भी खेल ला। कुछ भाई रोकी पर ज्यादा भागा नहीं जा रहा, मोटा हो गया ना, बस एक ही जगह पर चल रहा। रोकी चल भाग के दिखा, भागिए नहीं, तीनों के तीनों पानी के अंदर घुस गए। बस भाई पानी में दवाई वगैरह नहीं मिल रही हो, आजकल खेतों में दवाई करने का सीजन चल रहा। ओए सिम्बा मान जा, ज्यादा पानी ना पियो, तेरी रिपट के गिर गया। सिम्बा आ जा बाहर, आ जा, पैर में चोट लगी इसके, एकदम से रिपट गया। सिम्बा ला रुके, पैर दिखाइए, पिछले पैर में चोट लगी। ओ सिम्बा रुक जा, जानबूझ कर चल के दिखा रहा, नू कह रहा ठीक हूँ मैं। सिम्बा अरे रुक जा, देखो कहाँ लगी चोट, एकदम से गिर गया बेचारा, दिखाइए इसका भी बेचारे का कुछ ना कुछ हुआ ही रहा, पिछले पैर में लगी चोट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट भाई फिर भी मान नहीं रहा, फिर से खाल के अंदर घुस गया, पैर में इसके दर्द तो है पिछले वाले में। सिम्बा बस दिखने में बड़ा हुआ, दिखने में तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, इसके अंदर अभी बचपन ही, बचपन से लेकर अब तक बेचारे का चोट चोट लगती आई। एक बार तो जब ये छोटा सा था छत पर से गिर गया था, सिम्बा की दो बार जान बची, जिसमें बिल्कुल मरता मरता बचा, जब ये छत पर से गिर गया था उस टाइम बिल्कुल अपाहिज हो गया था, इसकी उम्मीद भी नहीं थी इसके पैर ठीक हो जाएंगे, और एक बार जब इसका तार लग गया था उस टाइम अगर गर्दन पर तार लग जाता बिल्कुल खत्म हो जाता, खत्म। यहाँ पे पोवे गैंग की हो रही कुश्ती, और गाइस आज ना दो तीन दाव पैंच सिखाए नीचे पैरों के, हाँ बस 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 खींच 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 बस, देख लगी कमर। और गाइस लड़ाई अलग चीज है, कभी ये सोच रहे हो लड़ाई सिखा रहा मैंने, कुश्ती तो गेम है। और गाइस अभी न लेकर चलता हूँ घर पे, गांव तक जाने में अंधेरा हो जाएगा, हम इन्हें थोड़ी आगे लेकर आ रहे ना। तो गाइस आ गया सिम्बा को लेकर घर पे, और गाइस सिम्बा की हालत देखो कैसी हो रही, बिल्कुल कलर राक्षस हो गया चिंटू के जैसा। और गाइस ये वाली खाट डॉग्स के नाम की है, अरे की ना देखो, ये जब से ग्रिप में ही लगे पड़े कोको की बुरी हालत हो रही, और ये दोनों के दोनों लगे पड़े। और गाइस कल को कोको को खेत में लेके जाऊंगा, कोको को खेत में ले जाए काफी दिन हो गए, बट भाई कल को लेके चलेंगे कोको को और जोरा को, दोनों को लेके चलूंगा, दोनों के दोनों सेम सेम हो रही। रोक कैनल से बाहर घूम रहा था, वरना रोक भी लग जाता, अब आया रोक, चल भाई रोको लगा ले थोड़ी बहुत देर तू भी, रोक आज खेत में तो गया नहीं, घर पर ही कर लगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जोरा को जगह नहीं मिल रही, जोरा चारों तरफ को पुदक रही, चल जोरा बस रह गई थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सी रह गई, कुछ चिंग की बार बार इसका पैर पकड़ ले, पकड़ लिया पकड़ लिया। और गाइस आज के वो लोग कैंडिंग है, पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे, और गाइस लाख सब्सक्राइब करो।